गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी लवली वेदर इन डीएलएफ राइट नाउ। सब दिल्ली में ही है, सिर्फ डीएलएफ में नहीं, दिल्ली में बहुत अच्छा वेदर है। 10th फ्लोर पे इट्स फीलिंग वेरी वंडरफुल एंड मैंने इलाकों में टेरेस पे लेके आया हूँ, बट ये बहुत खुदक रही है, मुझे डर लगता है कि ये भागे ना। वर्क फ्रॉम होम का सेटअप हो चुका है, नेचुरल लाइट आ रही है, लैपटॉप लगा दिया, नोटबुक रख दी है, पेन रख दूंगा, डाइट को भी आके वर्क फ्रॉम होम शुरू कर देंगे, अपना काम शुरू कर देंगे। मगर मेरी कुर्सी पे तू क्यों बैठी है भाई साहब? आपको भी वर्क फ्रॉम होम करना है क्या? आप रोजी रोटी कमा दोगे हमारे लिए? हाँ जी, आपने वर्क फ्रॉम होम करना है, बताओ। तो गाइस, केसेस बढ़ चुके हैं, ज्यादा हो गए हैं। अगर आप कोशिश करो, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो तो वर्क फ्रॉम होम ही करो। दिल्ली खुलने से, देश खुलने से या लोगों के बिजनेस करने पे मत जाओ। हाँ जी वैनिला, मौसम एंजॉय कर रहे हो? तो राधिका ने अब इसका नाम फाइनल कर लिया, वैनिला। मगर ये नहीं बता भैया कितने दिन रहेगी यहाँ पे, क्योंकि ओनर ने तो कहा 4-5 दिन में मैं ले जाऊंगी। आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए ना कि वांट टू कीप इट और नॉट, हम रखे कि ना रखे, क्या पता आपके कमेंट्स को वो पढ़ के हमें अडॉप्ट करने के लिए एग्री कर दे, अडॉप्ट सेल जो भी, चलो जो भी है, बट एग्री कर दे। बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर है, मजेदार बारिश हो रही है, मैडम जी मॉडलिंग के मूड में है, दोनों मैडम ही मॉडलिंग के मूड में। अच्छा एक बार ये दिखा दो ना आप अपना फेस, नीट एंड क्लीन। बहुत खुश है, बहुत साइलेंटली बैठी है, तो बर्ड्स दिख रही है, स्विमिंग पूल के बैंड बज गए। क्या कह रहा? फनी। मौसम का लुफ्त उठाते हुए आज चाय पकौड़े मिल रहे हैं? मैं चाय तो पीता नहीं, कॉफी पी लूंगा। और बहुत स्ट्रेंज बात है, लोग कैट्स को मिल्क देते हैं और हम ऑनलाइन सर्च करते हैं कि कैट को मिल्क नहीं देना चाहिए, उससे उनका स्टमक अपसेट हो जाता है, और दुनिया भर उसको कैट को मिल्क देती है और उसको पसंद भी है बहुत मिल्क। आई गेस बहुत चाटती है मिल्क। तो किटन है ना ये? हाँ किटन है। तभी शी एन ऑब्सेशन विद बॉक्सेस। ये वही कोरियर का बॉक्स है जो बायनाकुलर जिसमें आए थे। इसको पेन भी बहुत पसंद है, इसको एक नया टॉय दिया है कैक्टस, वो भी बहुत पसंद है, सारा दिन खेलती रहती है, अभी ये छुपी हुई है। माओ बिली, माओ बिली। तो हमारे लिफ्ट में नए साइंस आए हैं, लिफ्ट एटिकेट, सोशल डिस्टेंसिंग, ऐसे नहीं रहना, ऐसे रहना। और एक और है, डू नॉट प्रेस द बटन विद योर फिंगर्स, यूज अदर ऑब्जेक्ट्स लाइक की, पेन, कार्ड एक्सेट्रा। हम ये लेके घूमते हैं जर्म किल स्प्रे, इसे भी आगे लिखा हुआ, नाइस। तो हम स्ट्रॉबेरी मून देखने जा रहे हैं, बायनाकुलर्स रख लिए है, स्ट्रॉबेरी मून देखने चले। बहुत ही बढ़िया मौसम है, बहुत ही बढ़िया। ब्लॉक में कभी नाइट शूटिंग नहीं डाली यार, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। सो मून को मैं अपने रूम से नहीं देख पाया अपनी बालकनी से, बिकॉज जब टाइमिंग था हमारे डायरेक्शन पे देखने का हमारी बालकनी से, उस टाइमिंग पे मैं क्रॉस कर चुका था, मैं मतलब लेट देखने गया, और कह रहे कि आफ्टर 12:30 तो अच्छा रहता है मून। सो आई एम सर्चिंग फॉर मून राइट नाउ, और मुझे मून मिल गया है, मैं आपको दिखाता हूँ।
हियर इज द मून गाइस, इसके जूम से देखते हैं फुल मून। वो तो ऑब्वियस है कि कैमरा में इतना अच्छा नहीं आएगा, इतना आ रहा है। और एक पता नहीं लाइट स्पॉट भी आ रहा है अलग से राइट पे, स्पॉट ऐसा ही है। तो बायनोकुलर से देखते हैं एक बार मून कैसा दिखेगा, और एक स्पेस ढूंढते हैं जहाँ पे बैठ के हम अच्छे से मून को देख पाए। गाइस दिस इज माय बिल्डिंग, यहाँ से जनरली मून जो दिखता है वो इस साइड पे दिखता है, और राउंड आई थिंक दिस इज द डायरेक्शन ऑफ साउथ टू साउथ ईस्ट। तो ये यहाँ से इस तरफ ऐसे यहाँ से ऑर्बिट से दिखता है। तो जब मैंने रियलाइज़ किया तो मून इस बिल्डिंग के पीछे छुप गया था, बालकनी से मेरे दिख नहीं रहा था, बट अब इस साइड आ गया है। तो आई थिंक स्ट्रॉबेरी मून का मतलब ये है कि आसपास थोड़ा सा रेडिश स्ट्रॉबेरीश कलर का टाइप दिखेगा, थोड़ा सा मुझे दिख रहा है। अब थोड़ा हम अपने बायनोकुलर से इसको देखें। मैंने अपने बायनोकुलर्स ट्राई कर लिया है, मैंने अपने बायनोकुलर्स को ट्राई कर लिया है यहाँ से। अब मैं उसको देखता हूँ और आप देखिए मेरा रिव्यू। ओ माय गॉड, इतना ब्यूटीफुल है मून, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है मून। ओ माय गॉड, गाइस बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ये मून, और इस कैमरा से स्पेशली आई ट्राई टू कैप्चर इट। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ एक बारी कि कैसा लग रहा है। ओह माय गॉड, इतना ब्राइट है, और कैसे दिखाऊं मैं आपको, कैमरा सेटल नहीं हो रहा और इतना क्लियर नहीं दिखा पा रहा क्योंकि बहुत ब्राइट है। और मतलब नेकेड आई से इतना ब्यूटीफुल लग रहा है मून का जो लुक है ना, आई कैन नॉट एक्सप्रेस यू जो मैं नेकेड आई से देख रहा हूँ। आई विश आई वुड कुड हैव अ बेटर कैमरा और समथिंग विच आई कैन एक्सप्रेस यू। और इतना लाइट दिख रहा है यहाँ से। तो मैंने कुछ इमेजेस ले ली है और वीडियो भी कैप्चर कर लिया है। आई लाई डाउन फॉर सम टाइम एंड थोड़े सेलेस्टियल एक्टिविटीज़, मतलब मून एंड स्टार्स को मैंने नोटिस करने की कोशिश करी थ्रू माय बायनोकुलर्स, बट इतना ढंग से नहीं हो पाया। कुछ स्टार्स देख पाया और मून तो क्लियरली, बहुत क्लियरली दिखा। जैसे क्रिकेट स्टेडियम में नहीं दिखाते वो क्रिकेट मैचेस के बीच में मून, वैसा इतना ब्यूटीफुल मून लग रहा था कि आई कैन नॉट डिस्क्राइब यू गाइस। यू हैव टू बाय बायनोकुलर्स एंड नोटिस नेचर। तो बेस्ट थिंग इज यू हैव टू नोटिस नेचर बाय योरसेल्फ। कोई आपको ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि स्ट्रॉबेरी मून कैसा दिखा है। ऑल्दो मुझे कुछ स्ट्रॉबेरीश नहीं ज़्यादा मेजर दिखा, बट नो वन कैन एक्सप्लेन यू गाइस, यू हैव टू ऑब्जर्व योर नेचर बाय योरसेल्फ। बहुत अच्छा स्पॉट ढूंढा है मून देखने के लिए अपने अपार्टमेंट में, जहाँ ऊपर 100% ओपन है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं किसी बिल्डिंग की। तो फर्स्ट आई विल सी जूम करके कि इसमें कैसे दिखता है। जस्ट लाइक अ लाइट, नॉट क्लियर। लेट्स ऑफ द फ्लैश नाउ सी। तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा यहाँ भी बैठ के फिर ऑब्जर्वेशन करके देखते हो। माय गॉड गाइस, इट इज लाइक अ डबल बोनांजा। यहाँ से व्यू करते हो कितना ज़्यादा बेटर, बहुत अमेजिंग लग रहा है। और सबसे बेस्ट पार्ट, मुझे सैटर्न दिखा, और मैंने सैटर्न को खुद नोटिस किया कि मुझे सैटर्न लगा। एंड आफ्टर दैट मैंने एक स्टार ट्रैकर ऐप से चेक किया तो सैटर्न था। तो मुझे बायनोकुलर्स से सैटर्न का दिख रहा है। माय गॉड, बहुत बहुत अमेजिंग लगा मुझे देख के। That star, bright star over there is not a star, it's a Saturn. जो मुझे पहले लगा कि Saturn है और मैंने confirm किया आपसे, 101% Saturn है। और उसके rings बायनोकुलर से थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। Moon का distance इससे ज़्यादा नहीं है, तो it's clear. सैटर्न दिखाना थोड़ा नामुमकिन टाइप है, दिख नहीं रहा, फोकस भी चले जाता है कैमरा का। ट्राई अगेन, ओ दिख गया,
चुका है, दिस इज़ द क्लोजेस्ट आई कैन मेक यू सी सैटर्न टू बायनोकुलर्स। और अगर आगे फोकस में देखना है तो वो फिर आपको पता ही है कि वो दिखता है टेलीस्कोप के थ्रू। और स्टेडीनेस कम है, यू नो द रीज़न वाई। द मून अप मॉल के साथ ऊपर कैप्चर हो रहा है। सो गाइस इट वाज अ वेरी अमेजिंग व्यू एंड एंजॉय सेलेस्टियल एक्टिविटीज एज वेल। सो गाइस इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और शेयर कर सकते हो तो शेयर भी करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो क्योंकि मेरी वीडियोज आएगी तो आपको पता कैसे चलेगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।